उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में। दोस्तों जैसा कि अगर मैं बात करूं आज की डेट में जब मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ा सा गैप अप मार्केट के अंदर जरूर से नजर आया, ठीक है। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहने वाला है जो कि यहाँ पे भी सपोर्ट मार्केट ले रहा था, तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल मैंने आपको बताया था कि 1885 और 1886 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग लेवल जो रेजिस्टेंस रह सकता है, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मैंने आपको बताया था 1870 के आसपास भी, ठीक है। मार्केट नीचे आया, इसके आसपास ही नीचे आ रहा था, उसके बाद रेजिस्टेंस भी यहीं पे आकर के लिया। काफ़ी देर तक मार्केट सस्टेन कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, कई बार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा देर तक वो सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद में देखिए यहाँ से लेकर के अगर आप देखें पूरी तरीके से मार्केट साइडवेज था, कोई भी मोमेंटम मार्केट के अंदर जरूर से नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद में एक और लेवल डिस्कस किया था कल की वीडियो में मैंने, 1899 के आसपास का जो लेवल था, ठीक है, उस लेवल के पास तक गया और उसी सपोर्ट के पास जो कि मैंने बताया कि 1885 1886 के आसपास का जो लेवल है उस तक आ रहा था। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर देखिए अगर मैं बात करूँ ना कि सिर्फ अडानी ग्रीन्स की, मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की, देखिए इतना बड़ा मोमेंटम आया कब से लेकर के अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँ 2:33 के आसपास की, और यहाँ पे 2:00, ठीक है, 2:00 यहाँ पे 3:00 के आसपास ये मोमेंटम देखने को मिला HDFC बैंक में, ठीक है। अडानी ग्रीन्स में हमें ये देखने को मिला, HDFC बैंक में देखने को मिला, कोटक महिंद्रा बैंक में भी हमें मोमेंटम देखने को मिला, और अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें यही मोमेंटम देखने को मिल रहा, ठीक है। अब हो क्या सकता है अडानी ग्रीन्स की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय करके गए हैं तो उनके स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होंगे, तो हो सकता है कि मार्केट कल थोड़ा मोमेंटम किस तरीके से करे, गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मार्केट क्या करेगा थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले लेवल तक सस्टेन करने की कोशिश करेगा कि रुक जाए, और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली इस वाले लेवल तक आएगा मार्केट, ठीक है। और इस वाले लेवल से फिर एक दो बार हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए साइडवेज मार्केट रहे लेकिन फिर इस लेवल तक भी आ सकता है और यहाँ से इस वाले लेवल तक भी जा सकता है। कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर बताऊं तो यहाँ पे 1960 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, 1960 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1885-1886 का लेवल, उसके बाद में 1870 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम जरूर से मार्केट के अंदर करेगा, ठीक है। बाकी अगर बात करें दूसरे लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यहाँ से एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है मार्केट के अंदर जो कि आ रहा है 1850 के लेवल के आसपास, ठीक है। बाकी अगर आप देखते हैं यहाँ से कि मार्केट अपसाइड में मोमेंटम करेगा डाउनसाइड में मोमेंटम करेगा तो उसके लिए आपको मार्केट के अंदर थोड़ा देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर किस तरीके का क्या मोमेंटम जरूर से चल रहा है। बाकी हम कभी भी ये आपको नहीं कहेंगे, ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है, हम कभी भी आपको ये नहीं कहते कि ये वीडियो आपको क्या नाम है इस वीडियो को देख करके आपको ट्रेड लेना चाहिए ट्रेड बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो उसके अंदर जो भी आपका प्रॉफिट जो भी आपका लॉस होता है उसके अंदर पूरी जिम्मेदारी आप ही की है, मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल उसके लिए कभी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप इंडिया में किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम इंडिया में कहाँ तक पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।